गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुकमती फलन के अगले आर्टिकल पर अध्ययन करेंगे कि हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया है। आप देखेंगे कि इस सर्कल में हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया हुआ है। इसकी रेडियस कितना है? वन वन यूनिट है। तो हमें यहाँ नाम दे दे रहा है जी ओ पी, और इसका नाम दे दिया हमने एम। तो आप देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? लंब लंब कितना है? पी एम बटे कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी? डायमीटर रेडियस इक्वल ओ पी। तो यह कितना हो गया आपका? पी एम अपॉन वन इक्वल पी एम। ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा कितना होता है? आधार ओ एम अपॉन कर्ण ओ पी। ये हो जाएगा ओ एम अपॉन वन इक्वल ओ एम। ठीक है। हमको ये समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय। तो ओ पी की लंबाई कितना है? वन है, वन। और ओ एम कितना? कॉस उसका थीटा। ओ एम स्क्वायर कॉस उसका थीटा और पी एम स्क्वायर साइन उसका थीटा। तो हम ये देखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा साइन उसका थीटा प्लस कॉस उसका थीटा इक्वल वन। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको सर्किल बना करके दिखाया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। अब हम अगले आर्टिकल पे आते हैं। बच्चों, आपने ये चार क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा होगा कि यह 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तो चतुर्थांश बोलते हैं हिंदी में। चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश, और ये कौन सा चतुर्थांश है? सेकंड। और ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। यह जो है एंगल कितना होगा अधिक से अधिक? 90। और यह एंगल कितना होगा? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180। ये 180 हो गया। और ये कितना हो जाएगा? तीनों एंगल मिला के 90 और प्लस 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 270। और तीनों मिला के 360। तो हम देखते हैं कि पहले चतुर्थांश में एंगल जो होता है 0 से 90, चतुर्थांश पहले में। दूसरे चतुर्थांश में एंगल 90 से 180 होगा। तीसरे चतुर्थांश में एंगल जो है 180 से 27 होगा। और चौथे में 270 से 360। और 360 में वापस जो रेखा है वो 0 में अंतर मिल जाती है। ठीक है। तो यदि इसके बीच में कोई भी हम कोण लेते हैं तो अधिकतम कितना होगा? 90। और यहाँ तक लेते हैं तो ये अधिकतम 180 रहेगा। और यदि तीनों क्वाड्रेंट को ले लें तो 270, और चारों क्वाड्रेंट का देखा जाए तो 360 एंगल होता है। ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको पता होगा पहले से। अब हम आते हैं अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चे कि अगर कोण, यदि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो एंगल लेके चलते हैं, यदि वो है 90 से कम है, जैसे आपने बोला साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन
साइन 90। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं? साइन, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सभी होते हैं। तो 90 से कम एंगल के लिए इनके सारे मान क्या होते हैं? सारे फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से अबव और 180 से कम, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो अन्य हैं कॉस, सेक, टेन, कॉट, वो निगेटिव होते हैं। यहाँ ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। इस तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस, साइन, सेक और कॉसेक ये क्या होंगे? निगेटिव। और टेन और कॉट क्या होंगे? पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक, टेन और कॉट ये निगेटिव होंगे और कॉस और सेक ये पॉजिटिव होंगे। ध्यान रखना कि इसमें आर जो है ये सब पॉजिटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और बाकी जो चार है वो निगेटिव होंगे, यहाँ निगेटिव होंगे ये पॉजिटिव होंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में कॉस, साइन, सेक, कॉसेक निगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव। चौथे क्वाड्रेंट में साइन, कॉसेक, टेन, कॉट निगेटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। अब हमने यहां पर टेबल बनाई है, इसमें आप सभी छात्र देखें कि 0, पाई बाई सिक्स से यानी 30 डिग्री, पाई बाई फोर यानी 45 डिग्री, और ये रेडियन में दिए 5 बाई थ्री यानी 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये पाई यानी 180, और ये कितना हो जाएगा 270, और ये 360 डिग्री। इन पर साइन के, कॉस के, टेन के मान दिए हुए हैं। तो आप देखना कि 90 तक के जितने भी मान हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ तक जो भी मान है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सब क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद पाई तक साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस की वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। और तो हमने जो क्वाड्रेंट के हिसाब से बताया है उसी हिसाब से टेबल बनी है। और बाकी जो तीन के दिए हैं साइन, कॉस, टेन और कॉसिक, सेक और कॉट, इनके मान क्या करेंगे हम? साइन और कॉस टेन के उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमको इसके कॉसिक के मान, सेक के मान और कॉट के मान मिल जाएंगे। इसको नोट कर लें अच्छे से। अब बच्चे यहाँ देखें, हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ दिया है कॉस एक्स इक्वल -3/5 दिया हुआ है। तो हमको अन्य पांच त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना है, यानी कौन कौन से मान निकालना है हमको? साइन एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये पांच मान निकालना है। तो हम जानते हैं क्या एक सर्व समीका आप जानते होंगे, अभी जो मैंने पहले भी कराया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स कितना है? -3/5 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस 9/25 कितना हो गया? 25 माइनस 9/25 यानी 16/25। इसीलिए अब हमको साइन एक्स कितना हो जाएगा? का वर्गमूल 16/25, तो यह कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4/5, 4/5। तो हम ये देखते हैं कि चूंकि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, x का मान किस पर है? तीसरे चतुर्थांश में, यहां पर x है, ठीक है। तो यहां पर साइन की वैल्यू
निगेटिव होती है। यहां पर साइन कैसा होता है? माइनस। और यहां साइन कैसा होता है? प्लस। ठीक है, यहां साइन का मान निगेटिव होगा, इसीलिए साइन एक्स की वैल्यू कितनी होगी? सही, दो मान दिख रहे हैं आपको, प्लस और माइनस, तो प्लस ना होकर के माइनस होगा। यहाँ कितना मान आ जाएगा? माइनस 4/5। ये इसका साइन एक्स का मान आ गया। अब हमको टेन एक्स चाहिए, तो टेन एक्स कितना होता है? साइन एक्स बटे कॉस एक्स। तो साइन एक्स का मान है आपका 4/5 और कॉस एक्स का मान है माइनस 3/5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4/3। इसके बाद हम आते हैं कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को हम क्या करेंगे? साइन एक्स का विलोम कर देंगे, तो ये आ जाएगा -5/4। इसके बाद अब देखते हैं कॉस, कॉस का विलोम क्या होता है? सेक एक्स। तो सेक एक्स के लिए कॉस एक्स का विलोम कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा -5/3। अब आपका क्या बचा है? कॉट, कॉट एक्स। कॉट एक्स के लिए आप टेन एक्स का विलोम कर दीजिए, 3/4। ये आपके अन्य जो पांच त्रिकोणमिति मान है वो आपके ज्ञात हो गए। तो आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चन करके देखना है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको यहां पर साइन 31π/3 इसका मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि साइन 3 से डिवाइड करेंगे तो 10π प्लस π/3। ठीक है, तो अगर ऐड करते हैं तो 31π/3 आ जाएगा। लेकिन हमको यह पता है कि 2π के बाद सभी अनुपात रिपीट करते हैं। यानी 360 के बाद मान जो होता है वही आता है। यानी हमको जो पता है कि साइन 2π+θ इक्वल साइन थीटा। तो इसी प्रकार ये जो हो जाएगा साइन 10π+π/3 इक्वल कितना हो जाएगा आपका? साइन π/3। और साइन π/3 कितना होता है? साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर, तो इसको नोट कर लीजिए। इस तरह के और भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दी है, हम अगले वीडियो में देखें। ओके, थैंक यू।